Hello dear students, welcome to IMS Gate Academy. Today we have Surajit with us and he has secured All India Rank 87 in Electronics and Communication and 165 in Instrumentation Engineering. So first of all, Surajit, many, many congratulations. Thank you, sir. Thank you so much. So first of all, just tell us about your preparation journey. Kab aapne apna gate preparation start kiya tha? Kaun si year mein aapne apna B.Tech complete kiya? और मैं आप सभी को बता दूं बच्चों, सुराजीत इज माय क्लासरूम स्टूडेंट, ही हैज अटेंडेड माय कंट्रोल सिग्नल डिजिटल लेक्चर्स। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपने प्रिपरेशन कब स्टार्ट किया और बीटेक कब आपका कंप्लीट हुआ, थोड़ा सा प्रिपरेशन जर्नी के बारे में बताइए। सर एक्चुअली मैं कोलकाता से हूँ, कोलकाता वेस्ट बंगाल में। यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज से बीटेक पास किया हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से। मैं एक्चुअली 2021 पे पास आउट हूँ। उसके बाद मैंने लास्ट ईयर जब फाइनल ईयर पे था उस टाइम पे ही मैंने प्रिपरेशन लेना स्टार्ट कर दिया था फॉर ओवरऑल प्रिपरेशन लाइक बार इसरो गेट ओवरऑल प्रिपरेशन जस्ट स्टार्टेड। आफ्टर दैट आई अपीयर गेट एग्जाम एंड गेट माय फर्स्ट अटेम्प्ट वाज 2022। एट दैट टाइम माय रैंक वाज ऑल इंडिया रैंक 821 इन जनरल, बट आई एम एक्चुअली नॉट सेटिस्फाइड बाय माय परफॉर्मेंस। ऑल्सो आई एम नॉट गो अप टू दैट मार्क व्हाटएवर आई जस्ट प्रिपेयर, तो उसके हिसाब से मैंने नहीं कर पाया था। बट जो भी मैंने रैंक आया था उसके बेसिस पे मेरा जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो थोड़ा क्लियर था। बट मेरे को ये था कि मेरा अच्छे इंस्टीट्यूट से एक्चुअली हायर स्टडी करना है, तो उसके साथ साथ और मेरा कुछ फैमिली इशू भी था, इसलिए मैंने कुछ एक जॉब भी लिया। अभी मैं करेंटली समीर पे एज ए रिसर्च साइंटिस्ट पोस्ट पे हूँ, और उसी के साथ साथ मैं एक्चुअली जो भी टाइम मिलता था इस साल गेट के लिए प्रिपरेशन करता था घर पे आके जितना भी हुआ। तो इस बार गेट दिया था वही मतलब लॉस्ट ऑफ प्रैक्टिस, मतलब आप लोगों के जो भी टेस्ट सीरीज वगैरह है और आपका तो मतलब कंट्रोल डिजिटल जो भी है वो मतलब बहुत अच्छे तरीके, मतलब लास्ट ईयर मैंने जो भी मेरा वीक पॉइंट था उसके ऊपर मैंने इस पर ज्यादा काम किया और करेक्ट। सो कैसे IMS गेट अकेडमी ने कैसे हेल्प किया आपको, मैथ्स एप्टीट्यूड कंट्रोल सिग्नल डिजिटल की क्लासेस कैसे हेल्प किया आपको IMS गेट अकेडमी ने? डेफिनेटली सर, जैसे कि लास्ट ईयर से मैं आपको मतलब आपको सर मतलब मैं बहुत पहले से जानता हूँ स्पेशली आपको और मैम को, तो मतलब मेरा जो था मेरा जैसे कि कंट्रोल स्पेशली कंट्रोल के लिए ऐसा सीन है कि कंट्रोल का कुछ अच्छा बुक हम लोग मतलब ऐसा कोई रेफर नहीं करते, क्योंकि रेफर भी करते हैं तो मतलब वही पुराने चीज मतलब ऐसे कुछ होता है। बट व्हेन आई सी योर लेक्चर आई जस्ट फाउंड की मतलब जो हाँ तो मतलब कुछ कॉन्सेप्चुअल थिंग अपने को सीखने को मिल जाए, तो आई स्टिल रिमेम्बर की जो अच्छा कॉन्सेप्ट अच्छा क्वेश्चन जो है जो यू ओनली डिजाइन I used to write this question in my copy, and whenever I revise the things, I only see your question only. So, ये बहुत एक helpful part था, definitely. Digital हो गया, control हो गया, and test series तो I also purchased. Test series के बदले में तो मतलब बहुत जो भी मतलब उसका जो मतलब question वगैरह का question framing का जो part है मतलब बहुत ही अच्छा था, और मैम का तो मैं lecture देखता ही था हमेशा जो भी मैं जब free time मिलता था मैथ के लिए, क्योंकि मैथ एक ऐसा subject है we have to practice daily. ऐसा नहीं है कि दो तीन सब्जेक्ट करने के बाद मैथ करना है, ऐसे नहीं करता था मतलब डेली कुछ ना कुछ होते तो मैं मैथ का लिखता मैम का देखता था रिकॉर्डेड हो या फिर। करेक्ट। मैंने बताया जब प्रियंका मैम को तो प्रियंका मैम वाज वेरी हैप्पी, बोला उन्होंने कि क्लासरूम स्टूडेंट का जब अच्छा रैंक आता है तो इट्स ए प्राउड मोमेंट। तो जब तुमने मैसेज किया, जब तुमने बताया कि सर मैम को थैंक यू बोलेगा, तो मैंने पूरा मैसेज कन्वे किया था। तो वेरी गुड वेरी गुड। So now next question to you, Surajit, like उस 3R के अंदर कैसे माइंडसेट था, क्या माइंडसेट था और कैसे प्रेशर को मैनेज किया, क्योंकि आप जैसा बोला कि 21 में पास आउट किया था उसके बाद में अटेम्प्ट एक और दिया, तो आपको क्या लग रहा था कि ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट होने वाला है या क्या कुछ दिमाग में चल रहा था और कैसे उस प्रेशर को मैनेज किया, क्या माइंडसेट था और क्या आपने पहले एप्टीट्यूड मैथ से शुरुआत किया या टेक्निकल पार्ट से शुरुआत किया? या डेफिनेटली सर, माइंडसेट एक मतलब एक बहुत बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, चाहे आपको प्रिपरेशन कैसे भी लेवल तक हो या फिर कैसे भी मतलब किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से आप करे हो, बट माइंडसेट मैटर्स अ लॉट। जैसे कि ये एक्सपीरियंस मैंने लास्ट ईयर को मेरे को मिल गया था, क्योंकि मेरा प्रिपरेशन उतना लेवल पे था बट कुछ इधर उधर का कुछ प्रॉब्लम के वजह से, कुछ सराउंडिंग्स का प्रेशर की वजह से आई हैव की थिंकिंग इन द तीन मतलब तीन घंटे के बीच में मैं कुछ इधर उधर का सोच रहा था कि मेरा एक दो क्वेश्चन छूट गया कि हाउ कैन आई परफॉर्म, हाउ शुड आई सर्वाइव इन माई फ्यूचर थिंग्स, ये सब थोड़ा मोड़ा प्रेशर मतलब वो तीन घंटे के आ गया था इफ आई कीप दो तीन क्वेश्चन। तो इस साल मैंने उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया, क्योंकि मेरा वो साइट का जो थोड़ा इशू था वो थोड़ा हट गया था फॉर फिनेंशियल सपोर्ट की वजह से,
डेफिनेटली माइंडसेट एक बहुत बड़ी प्लान करता है, और मेरा प्लानिंग यही था कि मैं जैसे कि टेक्निकल क्वेश्चन में पहले स्टार्ट करता था, मतलब जो भी एक्सपीरियंस वगैरह छोड़ के बाकी जो क्वेश्चन होता है एक एक मार्क्स दो मार्क्स सभी एक से स्टार्ट करके, फिर उसके बाद जो हम लोगों का एक्सपीरियंस आता है वो किया था, क्योंकि मैं टेस्ट सीरीज पे ऐसे ही परफॉर्म करता था, तो विच हेल्प्स मी अ लॉट, मतलब ये फ्लो पे रहने के लिए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सो सुराजीत, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आपने जैसा अभी बताया कि आपने और भी कोई कंपटीशन एग्जाम पीएससी एग्जाम भी अभी दिया है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। यस सर, जैसे कि सर लास्ट टाइम मेरा जो गेट का रैंक आया था उसके बेसिस पे तो मेरे एक्चुअली में एक ओवरऑल प्रिपरेशन ले रहा था उस टाइम, तो गेट के लिए अच्छा नहीं हुआ था, तो आई थॉट कि बार के लिए दे देते, तो बार का रिटर्न आई आल्सो क्वालिफाइड एंड आल्सो सिलेक्टेड इन बार आल्सो लास्ट ईयर, बट ज्वाइन नहीं किया। यस सर, लास्ट ईयर ज्वाइन नहीं किया था ड्यू टू माय फैमिली रीजन, आई मतलब कुछ फैमिली प्रॉब्लम था, एंड आल्सो द मेन पार्ट इज कि आई वांट टू स्टे इन द इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड, तो न्यूक्लियर फील्ड पे मेरे को एक्चुअली स्विच नहीं करना था, बट आई जस्ट वांट टू गो द एक्सपीरियंस पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब इंटरव्यू एक बहुत ही अच्छा लेवल का था, मतलब लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस सभी को रहना चाहिए, डीआरडीओ हो गया, बार इसरो, ये सब एक प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट है इंडिया का, तो वो एक अच्छा पॉइंट था। इस साल मैंने सेम ऑन द बेसिस ऑफ बेस्ट ऑफ सेम जो भी प्रिपरेशन था उसके ऊपर मैंने डीआरडीओ का साइंटिस्ट बी का रिटर्न दिया था, उसका रिटर्न क्वालिफाई हो गया, मेरा नेक्स्ट वीक को एक्चुअली इंटरव्यू है, तो वो भी देना है अभी। वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन मेनी मेनी कांग्रेचुलेशन फॉर गेट रैंक आल्सो एंड फॉर डीआरडीओ साइंटिस्ट पोस्ट आल्सो। सो इट्स रियली ए प्राउड मोमेंट फॉर ए टीचर व्हेन योर क्लासरूम स्टूडेंट जनरेट ए रैंक, इट्स डेफिनेटली ए प्राउड मोमेंट फॉर योर पेरेंट्स आल्सो, एज ए टीचर वी आल्सो फील प्राउड। सो सुराजीत, आई स्टिल रिमेंबर इन माय क्लासेस आई जनरली यूज्ड टू से योर नेम सुराजीत, what is your answer, yes, sir, what is yes, your sir. answer, yes sir, most of the time it was my name, exactly, and also you pampered me a lot, because you always pampered me ki suji iska answer batao, 2 minute bache 3 minute bache, so you also try to solve this question with me, yes, yeah, and I always insist ki bhai, so I am expecting ki surajit se answer aayega aur kisi se aaya nahi hai, to generally wo ek flow ban gaya tha, aur jaisa jaisa tum response karte the तो जब भी कोई हार्ड क्वेश्चन या ट्रिकी क्वेश्चन आता था तो मेरे को एक्सपेक्टेशन होता था कि एटलीस्ट सुराजीत का कुछ आंसर आना चाहिए। सो दैट इज व्हाई मेरे को याद है, मैं काफी क्लास में नाम लेके बोलता था, जैसे ही तुम्हारा मैसेज आया मैं एकदम से पहचान गया। चलिए तो नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन ये है सुराजीत, जैसे ही इस बार रिजल्ट आया 87 रैंक आया, तो क्या रेस्पॉन्स था, क्या क्या रिएक्शन था आपका, आपको आपने एक्सपेक्ट किया था कि रैंक डबल डिजिट आएगा? एकदम ही नहीं किया था, क्योंकि एक्चुअली बट मेरे को ये था कि आई एफ मतलब लास्ट ईयर से मेरा परफॉर्मेंस अच्छा था, क्योंकि मेरा एक्यूरेसी स्किल बहुत अच्छा था, तो ये तो मैं कंफर्म था कि जो भी मेरा रैंक आएगा, मेरा एक्चुअली वही था कि मेरा अपने आपको एक्चुअली बीट करना था, ऐसे नहीं कि कुछ अंडर डिग्री या सिंगल डिग्री डबल डिग्री रैंक लाना है, बट मेरा मेन नोटिस था एग्जाम देने के बाद आई जस्ट सेटिस्फाई बाई माई परफॉर्मेंस, और मैं ये मेरा कंफर्म था, मैं सेटिस्फाई भी था, और बट डबल जीत में तो एक्सपेक्ट नहीं किया था, अब तक जो रिजल्ट आया फिर इसके बाद देखता तो ऐसा चेंज। वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी गुड वेरी। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू कि एज यू ऑल नो दैट एज वी नो दैट इन 2021 आईआईटी बॉम्बे अनाउंस दैट नाउ थर्ड ईयर स्टूडेंट्स आर आल्सो एलिजिबल टू राइट द गेट एग्जाम, सो डू यू थिंक दैट इफ ए स्टूडेंट who will start gate preparation early even in the BTech of second year, then he has an advantage and he can make the third year attempt as a trial attempt and make a final attempt as a final year attempt. So final year mein uske paas kaafi acha opportunity hai ek double digit single digit rank secure karne ka, kyunki agar wo third year attempt 4-5 subject padh ke bhi deta hai aur agar 35-40 marks bhi secure karta hai to as a experience wo third year attempt de sakta hai aur final year. तो क्या लगता है कि स्टूडेंट को ड्रॉप करना चाहिए या एक गेट प्रिपरेशन जल्दी स्टार्ट कर देना चाहिए? नहीं नहीं डेफिनेटली सर, ये मतलब जब से ये वाला स्कीम स्टार्ट हुआ है ये तो एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट लोग के लिए, क्योंकि थर्ड ईयर से अगर कोई प्रिपरेशन लेता है, ऐसे भी नहीं है कि थर्ड ईयर मतलब तो कुछ कुछ कोर सब्जेक्ट उसमें इन्वॉल्व भी रहता है, तो उस टाइम से अगर कोई प्रिपरेशन लेना स्टार्ट करता है तो डेफिनेटली उसका एक बेस स्टार्ट हो जाता है,
ऐसे नहीं कि बेस्ट थर्ड आर्मी ईयर में कुछ अच्छा मतलब रैंक लेके आना है, वो नहीं नहीं है, कॉम्पिटिशन। बट फॉर जो मतलब इनर्शिया मिलता है थर्ड ईयर पे देने के लिए, फोर्थ ईयर पे मतलब वो हेजिटेशन नहीं रहता है कि 3 घंटे पे करेक्ट जाके कैसे होगा, ये क्यों होगा, क्योंकि मतलब ऐसे नहीं होता कि क्योंकि हम लोगों का गेट 1 साल ही होता है, जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं, तो मतलब 1 साल के मतलब 1 साल बेस करके अपने फ्यूचर का डिपेंड करने के लिए थोड़ा रॉन्ग डिसीजन होगा। तो थर्ड टाइम थर्ड ईयर पे अगर देगा कोई, तो 1 साल अगर वो मतलब ट्रायल के लिए जैसे जैसे आप बोलो, और लास्ट ईयर के लिए लास्ट ईयर पे आप अच्छे से दे सकते हो, और थर्ड ईयर से प्रिपरेशन लेना स्टार्ट हो सकता है, मतलब ये अच्छा पॉइंट रहेगा बिल्कुल से स्टार्ट करने के लिए। एंड ऑल्सो मतलब प्रिपरेशन लेना भी मतलब वो चीज़ नहीं मैटर करता है, ऑल्सो गाइडेंस ऑल्सो मैटर चलो, अच्छा गाइडेंस, अच्छा मतलब गुड एक्सपीरियंस टीचर्स भी बहुत सारा पॉइंट मायने रखते हैं, ऐसे नहीं कि मतलब खुद मतलब जो भी साइड बाई साइड पढ़ते जा रहे हैं उससे तो हो जाता है, बट प्रॉपर एक गाइडेंस गाइडेंस के वाइज अगर चलेगा तो डेफिनेटली थर्ड करेक्ट ईयर के परफेक्ट एक पर्सन। बच्चे का अच्छा कॉन्सेप्ट होगा। सो मैं सभी को बता दूं बच्चों, जो भी फ्यूचर गेट एस्पिरेंट्स है, दिस इज द लाइव एग्जांपल। मेरे को अभी भी याद है सुराजीत, काफी क्लासेस के अंदर बोला है मैंने। अगर आप मेरे कोई पास्ट वीडियोस देखोगे तो भी आप सुनोगे। तो अगर आप कंसिस्टेंट हो, लास्ट ईयर सुराजीत का एग्जाम जो है अच्छा हुआ, लेकिन 820 रैंक था। कितना था रैंक? यस सर 821 सर। 821 रैंक था। तो वो भी अपने आप में एक अच्छा अच्छा स्कोर था, बट स्टिल सुराजीत ने वापस अटेम्प्ट किया और लास्ट ईयर डीआरडी का एग्जाम भी क्रैक किया। सो बच्चों, जब आप कंसिस्टेंटली 1-2 साल अपनी लाइफ के टेक्निकल एग्जाम को देते हो और कंसिस्टेंट रिवीजन करते रहते हो, प्रैक्टिस करते रहते हो, पीवाईक्यूज को देखते रहते हो, तो एक टाइम ऐसा आता है जब आपके एग्जाम निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। अब देखो, जब जब डीआरडीओ क्रैक किया तो ऑटोमेटिकली जब नेक्स्ट अटेम्प्ट गेट का दिया तो डबल डिजिट रैंक आ गया। तो उस लेवल पे पहुंचने से पहले आपको काफी कुछ ऐसा टाइम आता है जब आप डिमोटिवेट भी फील करोगे, कभी आप टेस्ट सीरीज में कम स्कोर आएगा तो डिमोटिवेट होगे। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है सुराजीत, की टेस्ट सीरीज आपने कब अटेम्प्ट किया था, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट, और कैसे मॉक टेस्ट ने हेल्प किया आपको? क्या आपने एनालाइज किया मॉक टेस्ट के बाद अपनी गलतियों को, और क्या लगता है कि एक स्टूडेंट को एक्चुअली एग्जाम में जाने से पहले कितनी बार अपने सब्जेक्ट को रिवाइज करना चाहिए, कि कुछ लोग ना रिविजन प्रॉपर नहीं कर पाते। हाँ डेफिनेटली सर, टेस्ट सीरीज का एक बहुत अच्छा प्ले करता है रोल, जैसे कि लास्ट टाइम मेरा कुछ सब्जेक्ट कंप्लीट करने के वजह से मैंने टेस्ट सीरीज उतना ज्यादा नहीं दे पाया था, तो इस साल तो जब भी मैंने गेट देके आया था, इस साल एकदम फेब्रुअरी से ही मैंने तुरंत 2-3 टेस्ट सीरीज ले लिया था, एंड एकदम इनिशियल से मैंने टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट कर दिया था, एंड जो भी मार्क्स आता था आई ऑल्सो आई मीन नॉट फोकस ऑन द मार्क्स, बिकॉज जो भी मार्क्स आएगा वो मेरे को एक्चुअली सिखाएगा, ऐसे नहीं है करेक्ट। कि मार्क्स कम आ रहा है तो मेरे को डिमोटिवेट हो जाना है, ऐसे नहीं है, मेन तो असली खेल वो 3 घंटा का ही है, जब भी जितने भी आप अच्छे रैंक भी ले आओ टेस्ट पे या फिर कम भी ले आओ वो मैटर नहीं करता है, बट या यू शुड गिव अ मॉक डेली बेसिस, एंड ऑल्सो टेस्ट सीरीज का जो एनालिसिस होता है गुड गुड वे पे करना चाहिए, ऐसे नहीं है कि जो 2-3 क्वेश्चन बन रहा है उसका बस देख के मतलब सेल्फ सेटिस्फाई हो जाए कि यारो 5 के लिए 2 तो सही हो गया 3 3 गलत हो गया, बट वो 3 ही आपको बहुत कुछ सिखाएगा, तो वो भी एक गुड वे पे करना चाहिए आपको, मतलब वो एनालिसिस पर्पज आपको करना चाहिए ताकि जो भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है वो, बिकॉज कॉन्सेप्ट मतलब क्वेश्चन तो भी बहुत सारा कॉन्सेप्ट जनरेट होता है ना, तो दैट पार्ट ऑल्सो यू शुड लर्न फ्रॉम द एज ए हेल्प पार्ट ऑफ टेस्ट सीरीज, तो इनिशियल से देना स्टार्ट कर देना चाहिए जितने भी चाहे मॉक टेस्ट सब्जेक्ट। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सो सुराजीत, माय नेक्स्ट क्वेश्चन, कि अब आपको क्या, अब आपका क्या माइंडसेट है कि वो डीआरडीओ का जो इंटरव्यू बाकी है उसमें जाना चाहोगे, या गेट की रैंक पे जो 87 रैंक आया है इसी के अंदर उसके बिहाफ पे जो अपॉर्चुनिटी मिलता है पीएसयू का वेट भी करना चाहिए, या एमटेक, क्या प्लान है, फ्यूचर प्लान? एक्चुअली सर पीएसयू का तो प्लान नहीं है फिलहाल, मेरा एक्चुअली हायर स्टडी पे ही है, और हाई स्टडी अभी डीआरडीओ के, यस सर डीआरडीओ का अभी जी, इंटरव्यू दे के आता हूँ, कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला तो आई विल डेफिनेटली जॉइन, लाइक टू जॉइन जॉइन डीआरडीओ। डीआरडी। ओके, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। सो माय लास्ट क्वेश्चन टू यू सुराजीत, व्हाट इज योर ओवरऑल सजेशन टू द फ्यूचर गेट एस्पिरेंट्स? जो भी लोग गेट में 24-25 एग्जाम लिखेंगे, आपकी जर्नी के अकॉर्डिंग, आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, आपका क्या उनको एक सजेशन है, सो दैट अगर वो उसको फॉलो करें तो उनको भी अपनी प्रिपरेशन में उसका बेनिफिट मिले। हाँ मेरे हिसाब से सर यही होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, कि हर एक इंजीनियर को मतलब जो भी पास आउट हो रहा है या फिर थर्ड ईयर से जो भी पास आउट होगा, थर्ड ईयर एस्पिरेंट जितने भी हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम लाइक गेट बाघ डीआरडीओ, किसी भी एक कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम को छोड़ के मतलब खुद के लिए दे शुड प्रिपेयर 1 टाइम फॉर देमसेल्स, एटलीस्ट 1 1 ईयर फॉर देमसेल्स के लिए, क्योंकि ऐसे होता है 4 साल के लिए हम लोग उतना अच्छे से सब्जेक्ट को समझ रहे थे नहीं,
बट प्रिपरेशन के टाइम ऐसा होता है कि कुछ कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग को बहुत सारा नए नए सीखने को मिलता है जो हम लोग सेमिस्टर में भी नहीं सीख पाते। तो बट ये नहीं है कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो बस एग्जाम पॉइंट ऑफ एग्जाम क्लियर करने के लिए, ऐसा नहीं है। उसका बहुत सारा प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी रहता है कॉन्सेप्ट वाइज। तो दे शुड डेफिनेटली प्रिपेयर वन टाइम फॉर देम सेल्फ एक्चुअली। अगर एक साल अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो डेफिनेटली हर साल, जैसे आप बोले, हर साल लगातार एक ना कोई कोई ना कोई एग्जाम डेफिनेटली निकलता जाएगा इफ यू डेडिकेटेडली हार्ड वर्क एंड डेडिकेटेडली लर्न दिस थिंग इन अ गुड वे। तो मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि एक बार अच्छे से सब लोग प्रिपरेशन करते रहे और अच्छे एक्सपीरियंस गाइडेंस के तरीके से करते रहे। अंकुर सर है, प्रियंका मैम है, बहुत एक्सपीरियंस टीचर्स लोग हैं, तो इन लोगों के अगर कोई गाइडेंस लेगा तो डेफिनेटली। एंड ऑल्सो द बेस्ट पार्ट इज की मेरा अभी भी याद है, कोई मेरा कुछ 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 डाउट होता था, आई ऑल्सो शेयर यू इन द व्हाट्सएप, यू ऑल्सो सेंड मी द क्विक इंस्टेंट रिप्लाई। So that is the best part, because if you have any doubt and if you have any query and if you get the instant reply, it will be a kind of your relaxation. So, chalo mere ko ye mil gaya. So definitely this part is a very matters a lot. So I will also suggest them that you should also do this kind of things. Very nice, very nice. Chalo, thank you so much. Surajit for coming. काफी अच्छा लगा आपसे बात करके. Classes में हमेशा मैं नाम लेता था, but आज जब बात किया तो काफी अच्छा लगा. और सबसे अच्छी बात है कि डबल डिजिट रैंक आया, तो आई एम फीलिंग प्राउड ऑन द बिहाफ ऑफ आई एम एस गेट अकेडमी, प्रियंका मैम की तरफ से, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, आपके पेरेंट्स को भी बहुत शुभकामनाएं. थैंक यू. ओके, बाय बाय. एंड जो भी लोग फ्यूचर में इस यूट्यूब वीडियो को देखेंगे, गेट सक्सेस स्टोरी को देखेंगे, आप लोग भी अपनी गेट प्रिपरेशन जर्नी में जो गेट 23 के टॉपर्स हैं इनसे कुछ सीखिएगा. और इन्होंने जो अपनी प्रिपरेशन जर्नी में जिस चीज को फॉलो किया, अगर आप भी अपनी प्रिपरेशन में उसको फॉलो करेंगे, देन डेफिनेटली यू विल गेट बेनिफिटेड. चलिए, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू. बाय बाय, टेक केयर.